ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। मुंबई में एक चार मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गया। पूरे मुंबई में हड़कंप मच गया। आज सुबह 11:40 पर डोंगरी के पास कसाई गली में यह हादसा हुआ है, लेकिन इमारत का एक हिस्सा गिरा है। एक हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, वो भी गिरने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, और क्योंकि रास्ता एक गली है, मलबे को हटाया जा रहा है, जाने की जगह नहीं है। आखिर कौन लोग जिम्मेदार हैं? अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। NDRF की टीम जुटी हुई है। हर साल बारिश के मौसम में, चाहे वो लक्की कंपाउंड हो या फिर मुमरा की हो या मुंबई की, हर साल बिल्डिंग गिरने का मामला सामने आता है। सरकार इस पर ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है? 80 से 100 साल पुरानी ग्राउंड प्लस 3 की ये बिल्डिंग, जिसका नाम केसरबाई मेंशन है, 14 परिवार इसमें रहते थे, जिनमें 40 से अधिक लोग दबे हुए हैं, जिसकी आशंका जताई जा रही है, और 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जहां उनकी इलाज किया जा रहा है। और हम आपको सीधा ले चलते हैं, हमारे साथ इस्लामुद्दीन खान जुड़ चुके हैं। हम जानते हैं क्या जानकारी है। इस्लामुद्दीन, सुबह 11:40 पर डोंगरी के केसरबाई मेंशन ताश के पत्तों की तरह ढह गई है, क्या जानकारी है आपके पास? 10 घंटे बीत गए हैं, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुंबई के डोंगरी इलाके में आज सुबह 11:40 पर एक इमारत गिरी है, 4 मंजिला ये इमारत उस वक्त गिरी जब हल्का हल्का बारिश हो रहा था, उसी वक्त जो है ये इमारत गिरी। जो बात सामने आ रही है कि मनपा ने इस इमारत को डेंजर घोषित किया था और इस इमारत पर जो है नोटिस भी लगा दी गई थी कि इस इमारत को खाली किया जाए, लेकिन इसके बावजूद जो लोग इसमें रहते थे उन्होंने इस इमारत को खाली नहीं किया। और आज 4 मंजिला इमारत जो केसरबाई नाम की इमारत है, वो इमारत आज ताश के पत्तों की तरह जो है धराशायी हो गई है। हालांकि इस इमारत, जैसे ही सूचना मिली कि इमारत गिर है, वैसे ही राहत बचाव कार्य तेज़ी से चालू किया गया। NDRF की टीम यहां पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची। राहत बचाव कार्य तेज़ी से अभी भी चल रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि अब तक जो है यहाँ पर 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कि जिस तरह से ये सुबह 11:40 पर जो है जबकि इमारत गिरी थी, इस समय पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया था, लेकिन फिलहाल अब NDRF की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार जिस तरह से राहत बचाव कार्य कर रही है तेज़ी के साथ, और 12 लोगों की जो है मरने की पुष्टि हो चुकी है और 5 से 6 लोगों को जो है निकाला गया है, और जो स्थानीय अस्पताल है यहाँ पर वहाँ पर उनका इलाज के लिए भेजा जा रहा है। फिलहाल अभी यहाँ पर चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है, किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक जो मीडिया के लोग हैं उनको बाहर की तरफ ही रखा गया है फिलहाल, और बाहर से ही कवरेज किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान जो है सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि राहत बचाव कार्य की तरह जारी है, यहाँ पर लगातार मलबा हटाया जा रहा है। जी इस्लामुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। मलबे में लगभग 50 लोगों की दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सुनिए आवाज़ वहां पर किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, राहत कर्मी सभी उस जगह पर पहुंचे हैं, बचाव कार्य जारी। जो हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दुर्भाग्य से हमें ये कहना पड़ रहा है कि हर साल ये प्रॉब्लम होती है। आपने देखा है कि बारिश के समय हर साल पॉटहोल से लेकर पुरानी बिल्डिंग्स जो गिरते हैं, इसमें लोग ट्रैप्ड होते हैं, लोगों की मृत्यु होती है। This is a recurring theme each and every year in Mumbai city.
अनफॉर्चुनेटली जहाँ तक पुरानी बिल्डिंग्स की बात है और दक्षिण मुंबई और दक्षिण मध्य मुंबई में ऐसे बहुत सारे पुराने बिल्डिंग्स हैं, हर साल बारिश के पहले सरकार को सबसे पहले एक रिव्यू लेना चाहिए कि ऐसे कितने बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स कितनी जर्जर हैं, उनका ऑडिट रिपोर्ट किया जाना चाहिए। ऑडिट करने के बाद सरकार को वहाँ के किराएदारों को, वहाँ के टेनेंट्स को ट्रांजिट अकोमोडेशन में शिफ्ट करना चाहिए। अफसोस की बात है कि इस बार जो बिल्डिंग की अभी गिरी है, सरकार ने और ख़ास करके मुख्यमंत्री के लेवल पे उन्होंने रिव्यू मीटिंग लिया है या नहीं लिया है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उनसे आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ कि उन्हें जल्द से जल्द आज शाम तक मुंबई और दक्षिण मुंबई और दक्षिण मध्य मुंबई में ऐसे हज़ारों की संख्या में ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो जर्जर है, जहाँ जो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, जहाँ किराएदार भाड़ेकरू वहाँ रहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट किया जाना चाहिए। अभी कुछ ही समय पहले बगल के बिल्डिंग के लोगों से मिले, उन्होंने इस क्षेत्र के MLA अमीन पटेल जी से कुछ ही दिन पहले मिले थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमें शिफ्ट कीजिएगा, ट्रांजिट अकोमोडेशन दीजिएगा। सरकार ने उनको शिफ्ट किया, ट्रांजिट अकोमोडेशन दिया, केवल नाम के वास्ते, ओनली इन थियोरी। वे जब ट्रांजिट अकोमोडेशन में गए तो कोई और रह रहा था। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल इन माई ओपिनियन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल नेग्लिजेंस, प्रशासनिक सरकारी लापरवाही का एक उदाहरण है। और मैं और एक बार, मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप इसका राजनीतिकरण मत कीजिएगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि पहले भी 2004 में जब मैं पहली बार MP बना, उस समय से लेकर आज तक मैंने देखा है कि अन्य मुख्यमंत्रियों ने हमेशा बारिश के पहले वे रिव्यू मीटिंग्स बुलाते थे, रिव्यू मीटिंग्स के आधार पर एक्शन लेते थे। इस बार रिव्यू मीटिंग क्यों नहीं लिया गया बारिश के पहले? मिलिंद, जो मुझे प्राथमिक जानकारी मिली है उसमें डोंगरी में एक बिल्डिंग कोलैप्स होने के कारण उसके अंदर करीब 15 फैमिलीज के फंसे होने की संभावना वहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ये करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और वहाँ के बिल्डिंग के रहवासियों ने माड़ा के नियम के अनुसार उसके लिए रीडेवलपमेंट के लिए वहाँ पर एक विकासक को, डेवलपर को अपॉइंट भी किया था और उसका उसके लिए उसको उनको परमिशन भी मिली थी, लेकिन ये डेवलपर ने उसको समय पर डेवलप किया या नहीं किया, ये सारी चीज़ें अब जांच में सामने आएगी। अभी तो सारा फोकस जो है वो जो लोग वहाँ पर अभी मलबे के नीचे हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए, इसके ऊपर सारा फोकस वहाँ पर रखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये सारी चीज़ें सामने आ जाए तो उसके बाद इसकी इसका इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपरली किया जाए। लगभग 10 घंटे हो चुका है, बचाव कार्य जारी है। खतरनाक और डराने वाली बात यह है, गलियां वहाँ की जो है वो काफ़ी छोटी हैं, काफ़ी छोटी होने की वजह से राहत बचाव के जो मशीन वहाँ पर नहीं पहुँच पाई है, मगर राहत बचाव कार्य जारी है। इस पूरे हादसे को लेकर PM मोदी ने ट्वीट किया है, डोंगरी में जो हुआ घटना काफ़ी दुखद घटना बताया है। वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी दुखद घटना बताया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए हैं। एक और बात सामने आ रही है, जो बिल्डिंग गिरी है BMC बता रही है महाड़ा में आती है, आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड स्थानीय लोग लगे हुए हैं मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने के लिए। इमारत का नाम केसरबाई चाल बताया जा रहा है, जो ग्राउंड प्लस 3 का है, 4 मंजिला इमारत बताई जा रही है और जिसमें 14 परिवार रहते थे, 2 दुकानें हैं, 50 लोगों की दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बचाव कार्य फिलहाल जारी है। समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।